अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नमरा। जकी है। अच्छा, तो हम आज एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पेंसिल है। ये कितने पेंसिल हैं? दो पेंसिल हैं। ठीक है, ये दो पेंसिल हैं। ये कितने पेंसिल हैं? दो। ठीक है, ये दो पेंसिल हैं। ये कितने पेंसिल हैं? दो। ये भी दो पेंसिल हैं। और ये कितने पेंसिल हैं? दो। ये भी दो पेंसिल हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कितने पेंसिल हो गए? आठ। कैसे किया तुमने? गिना कैसे? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तुमने सबको गिना। ओके, तुमने 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी तुमने क्या क्या यहाँ पे उसका गुना किया, 2 गुना 2 गुना 2, है ना? ओके, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये दो पेंसिल है। अगर हम ये दो पेंसिल के इस तरह से चार ग्रोह बनाते हैं तो कितने हो जाएंगे? ये कुल मिला के 8 पेंसिल। ठीक है। अच्छा, तो अब ये मुझे बताओ, ये क्या है? रबर है। हाँ, कितना इरेजर है ये? एक इरेजर। ये मिला के हो गए 2 इरेजर। अगर मैंने इसी तरह के और 2 इरेजर रखे तो कुल कितने इरेजर हो गए? 4 इरेजर हो गए। कैसे किया तुमने, बताओ कैसे गिना? दो 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 और दो चार। गुड। तुमने कैसे गिना? हाँ, क्या? टेबल्स। अच्छा, पहाड़े पढ़े तुमने, बहुत अच्छे। कैसे पढ़ा पहाड़ा? बहुत अच्छे। 2 1 2 2 2 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो पेंस है इसके हम तीन तीन के ग्रो बनाते हैं। ठीक है, तो नम्रा मुझे बताओ कि अब ये कितने स्केच पेंस हो गए? ये कितने हैं? गुड। ये कितने हैं? तीन। ये तो कुल मिला के कितने हो गए? नौ। कैसे किया तुमने? अच्छा, तुमने फिर से पूरे मिला के उसको गिने। तुम बताओ कितने हैं? 3 3 6 7 8। अच्छा, तो तुमने क्या किया? 3 3 3 9। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, हम क्या करते हैं इसी तरह के और कप्स देखते हैं कि किस तरह से कप्स को भी गिन सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जब हम एक ही चीज को, जैसे कि ये 9 है, तो अगर हम इन्हें गिनेंगे तो कितना हमारा टाइम जाएगा? अब ये तो 9 है, अगर कोई 100 चीजें हो तो फिर कितना वक्त जाएगा हमारा गिनने में, है ना? फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी से गिनती गिन लें? इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि ये 3 कप है, ये 1 कप है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये 3 कप हमने क्या किए, ये जो 3 कप है, 3 कप के यहाँ पे 3 हमने लाइनें बनाई हैं, है ना? ठीक है, 3 कप की हमने यहाँ पे 3 लाइनें बनाई। ओके, गिरो नवरा कितने कप हो गए? 9 कप हो गए। जकी कितने कप हो गए? गुड। तुमने क्या किया, उसके पहाड़े पड़े, कैसे पड़े? 3 3 3 3 9। अच्छा, 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9। तो अगर हम गिनती गिने तो हमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम अगर पहाड़े पड़े तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना? तो ये जो हम जमा करते हैं बार बार, 3 जमा 3 जमा 3, ये जो बार बार जमा करने का अमल है, इसे कहते हैं ज़र्ब का अमल। क्या कहते हैं इसे? ज़र्ब का अमल। यानी अगर हम बार बार जमा करने की बजाय ज़र्ब करें तो हम जल्दी से चीज़ों को गिन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम दोनों को एक चार्ट देती हूँ, ठीक है, और मुझे बताना तुम कि उसमें कितने खाने हैं। ये चार्ट है, दिख रहा है दोनों को भी? ओके, तुम गिन के बताओ नम्रा कि इसमें जो खाने हैं कितने खाने हैं, कैसे गिनोगे तुम इसको? दो, छे, छे, कैसे छे? दो एक दो, दो चार, दो चार, छे। दो एक दो, दो कहाँ से लिया तुमने? तीन, 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 अच्छा, कैसे लिया, गिन के बताओ। तीन, तीन,
अच्छा तीन कहाँ पर है? ओके ये एक दो तीन, ये तीन एक तीन, तीन दूनी छः और तीन तिया नौ, तुमने ऐसे गिना इसको। ओके बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये वाला जो चार्ट है तुम गिन के बताओ सकी इसको? बारह है। कैसे गिना तुमने? बहुत अच्छे। यहाँ पे इसने क्या किया, तीन एक तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, क्योंकि हर एक कतार में तीन तीन खाने हैं, इस तरह की यहाँ पे चार कतारें हैं। तो तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन करने के बजाय इसने क्या किया, तीन ज़रब चार, इसी को हम कहते हैं ज़रब का अमल। ठीक है, ज़रब का अमल, यहाँ पे हम इसको ज़रब कहते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से पहाड़े पढ़ते हैं, जैसे कि तीन एक तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, इस तरह के पहाड़े पढ़कर हम इसको हम गिनती को मुकम्मल करते हैं। समझ आया? मज़ा आया? ठीक है।